गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एपिसोड 6 ऑफ कुकिंग एबीसी विद शीतल अग्रवाल। इस एपिसोड में हम एफ से फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं, तो मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज से मैं टक्कर देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए पहले पूरी रेसिपी देखते हैं और फिर लास्ट। तो गाइस, सबसे पहले हम फ्रेंच फ्राइज के लिए हम बड़े आलू यूज करते हैं, तो हम उन्हें सबसे पहले आलू को पील करेंगे। गाइस, ये अब हमने पील करके सारे पोटैटोज को धो लिया है। अब इन्हें हम लंबा लंबा चॉप करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक आलू को बहुत बड़ा बहुत मोटा आलू है ठीक है, इसे हम ये देखिए, ये हमारे सारे फ्रेंच फ्राइज के लिए पोटैटोस कट गए हैं। अब इसे हम पानी में डाल के, पहले पानी में डाल देते सारे, अब ये सारे पानी में हमने डाल दिए हैं। अब इसे हम एकदम हल्का सा बॉईल लेंगे, तो उसके लिए एकदम हल्का सा, हार्डली फॉर 2-3 मिनट को बस पकने देंगे बस। तो अब हमने गैस पे उसको रख दिया है, 2-3 मिनट एक हल्का सा बॉईल ले लेंगे और फिर बंद कर देंगे। देखिए, ये अब ना हमारे आलू हल्के हल्के ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तो बस अब हम गैस बंद कर लेंगे। अगर आप देख सकते हो ना, तो हल्के हल्के ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो गैस, अब हम इसे सबसे पहले छान लेंगे। अब इसे अच्छे से पानी निचोड़ने देंगे और फिर एक कपड़े पे, कॉटन क्लॉथ पे इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ये मैंने छान के इसे रख दिए हैं एक बर्तन के ऊपर, ताकि इसका पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए, उसके बाद हम इसे कपड़े पर ट्रांसफ़र करेंगे। 10 मिनट तक उसे अच्छे से ड्रेन हो जाने दीजिए। अब ये देखिए, इसमें से बिल्कुल पानी निकल गया है, तो हम इसे कपड़े पर डालेंगे, कॉटन का कपड़ा हो तो बेटर है, और उसे ऐसे डैब करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब ये देखिए, ये हमारे ऑयल अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे चम्मच कॉर्नफ्लोर या मैदा, कुछ भी ठीक है। अब हम ये आलू को अच्छे से इसमें डाल देंगे। अब ये देखिए, अच्छे से कवर हो गए हैं। तो भाई, ये देखिए, अब हमारे सारे फ्रेंच फ्राइज को हमने कोट कर दिया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप फ्रिज में 15-20 मिनट रख दीजिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 5-7 मिनट फ्रीजर में रख देना ठीक है। तो चलिए, आलू को देखिए इसमें छान लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर वॉन्टर सब निकल जाए। एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर निकल गया, तो अब उसके बाद उसे हम डाल देंगे। देखिए, हमारे फ्रेंच फ्राइज रेडी हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो गाइस, नाउ इट्स सेल्फ रिव्यू टाइम, चलिए ट्राई करते हैं। बहुत ही यम है, अच्छे बने, मैकडॉनल्ड्स की तरह क्रिस्पी है, यम्मी है, मस्त है बहुत। तो गाइस, मैंने वापस से फ्रेंच फ्राइज का वीडियो का एंडिंग लेना भूल गई थी, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड लेट मी टेल यू वन लास्ट थिंग कि मेरे फ्राइज बहुत ही यम बने थे, एकदम मैकडॉनल्ड को टक्कर देने वाले थे, तो डू ट्राई। बाय बाय, थैंक यू।